हमारा पहला क्लास है। ये मैं आज प्री स्कूल का एक टॉपिक है जो कि आज मैं सिखाने जा रही हूँ, जो कि है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन क्या है? बच्चों को जो हम राइटिंग सिखाते हैं, राइटिंग सिखाने के लिए बच्चों लोग को जो लिखाना है, कैसे लिखाना है, अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स ABCD कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ये लिखने के लिए उन लोग को एक टेक्निक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट A to Z बच्चों को लिखाने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उनको बोल नहीं सकते कि ऐसे ए लिखो, ए लिखना है और डायरेक्टली बी लिखना है, ऐसा नहीं सिखाना है। आप एक प्रॉपर तरीका होता है वो तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम किस तरह से बच्चों को सिखाएंगे, उनको अल्फाबेट्स कैसे लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन मतलब जो लाइन खड़ा है, मतलब ये हो गया स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन ये हो गया, और स्लीपिंग लाइन किसे कहते हैं? जो लाइन सोया हुआ है, ये हो गया स्लीपिंग लाइन। तो हम बच्चों को किस तरह से लाइन लिखना सिखाएंगे? जब आप बच्चे को लिखने के लिए तैयार करेंगे, बिठाएंगे, तो तभी उनको पहले सिखाना है, अल्फाबेट डायरेक्टली नहीं सिखाना है, पहले स्टैंडिंग लाइन और ये स्लिपिंग लाइन लिखना सिखाना है। तो कैसे लिखना सिखाएंगे? सबसे पहले बच्चों को बोलना है, आपको एक बना के दिखाना है कि बेटा ये देखो, ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन। फिर उनको पूछना है कि बोलो ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन। वो खुद बोलेंगे। ऐसा आप 3-4 बार, 5 बार, 6 बार आप लिख के खुद पहले बोलेंगे, फिर बच्चों को पूछेंगे ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन। तब बच्चे के मुंह से आप बोलने दीजिए, उसको खुद को बोलने दीजिए कि ये स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से उसको स्टैंडिंग लाइन सिखाना है। इसके बाद जब स्टैंडिंग लाइन वो खुद लिख पाएगा, पहले तो आपको उसका हाथ पकड़ के लिखाना है, स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से बच्चे का हाथ पकड़ के उसको स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन उसको सिखाना है। और जब उसको स्टैंडिंग लाइन लिखना आ जाएगा, उसके साथ साथ ही हमको सिखाना है स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन क्या है? ये है स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्लिपिंग लाइन। इस तरह से आपको जब जब आप स्लिपिंग लाइन बना रहे हैं, उसी वक्त आपको लिख लिख के भी, जब लिख के कर रहे हैं तब आपको मुंह से बोलते हुए ही ये स्लिपिंग लाइन बनाना है, ऐसे मुंह से बोलते हुए ही स्टैंडिंग लाइन बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को समझ में आएगा कि किसको स्टैंडिंग लाइन कह रहे हैं और किसको स्लिपिंग लाइन कह रहे हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि मैं ये स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन क्यों सिखा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि अल्फाबेट्स में बहुत सारे अल्फाबेट्स है जो कि स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन के साथ कनेक्टेड है। तो आपको मैं बता दूं कौन सा अल्फाबेट है जो आप सबसे पहले बच्चों को लिखना सिखाएंगे, जो कि इजी है। ए स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन के अंदर में नहीं आता है, बी भी नहीं आता है, सी नहीं आता है, डी नहीं आता है। तो आता है सबसे पहले ई। ई हो गया देखिए, जो कि स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन, ये ई हो गया। ये आपको बच्चों को लिखना सिखाना है। सबसे पहले आपको लिखना सिखाना है स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। उसके बाद अल्फाबेट्स में सिखाना है ई एफ जी नहीं होता है, एच होता है, फिर आई होता है, जे नहीं होता है, के नहीं होता है, एल होता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी होता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बस ये जो अल्फाबेट्स है,
EFHILP, ये अल्फाबेट्स स्टैंडिंग लाइन और आर स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के अंदर में ये आता है। तो बच्चों को सबसे पहले सिखाना है स्टैंडिंग लाइन लिखना, स्लीपिंग लाइन लिखना, और किस तरह से सिखाना है मैं आपको बताया। आप बच्चों को हाथ पकड़ के लिखाना है, जब जब स्टैंडिंग लाइन लिखा रहे हैं तब तब आपको बोलते रहना है स्टैंडिंग लाइन, जब जब आप स्लीपिंग लाइन लिख रहे हैं तब तब आपको लिखते लिखते बोलना है स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन पहले आपको कम से कम 2 से 4 पेज प्रैक्टिस कराना है बोल बोल के, और बच्चों के मुंह से फिर सुनना है कि स्टैंडिंग लाइन किसे कहते हैं, स्लीपिंग लाइन किसे कहते हैं। जैसे ही उनको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के बारे में आइडिया हो जाएगा तब आप उनको ये अल्फाबेट्स जो कि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के साथ कनेक्टेड है वो अल्फाबेट्स को आप लिखना सिखाएंगे। जैसे कि ई एफ एच आई एल टी, ये हो गया स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के अंडर में, ठीक है। तो आज हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सीख रहे हैं। अब एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी जो कि बच्चों को जब पढ़ाएंगे उनको प्रेशराइज मत कीजिए, जबरदस्ती पढ़ने बैठना ही है, ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है और यही टाइम में तुम्हें पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए। बच्चों को जब पढ़ाएंगे उनके साथ खेलते खेलते पढ़ाइए, जैसे कि वो जब खेल रहा है उसको पेंसिल दिखा के बोलिए, बेटा देखो ये देखो स्टैंडिंग लाइन है ना, इसको सुला दीजिए, और फिर बोलिए देखो अब ये कैसा हो गया, स्लीपिंग लाइन हो गया। इस तरह से बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाइए ताकि बच्चों को पढ़ाई को वो एंजॉय कर सके, उसको मतलब सीरियसली तो लेना है लेकिन उसको अभी ये एज नहीं है सीरियसली पढ़ाई को लेने के लिए, उसको एंजॉय करके पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बच्चों को इस तरह से सिखाना है कि कोई ऑब्जेक्ट दिखा के, घर के अंदर ही बहुत सारे आपके फर्नीचर्स होंगे, सामान होंगे, जिसको दिखा के उसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाइए और बताइए ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से आप उसको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का आइडिया दे सकते हैं, जो कि बच्चे एंजॉय भी करेंगे और खेल खेल में सीख भी जाएंगे। अच्छा, अब हम अल्फाबेट्स में क्या क्या स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के अंदर आता है वो तो हम सीख लिए, लेकिन अभी नंबर्स में स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के अंदर में क्या आता है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के अंदर में जो आता है सबसे पहले है नंबर 1, स्टैंडिंग लाइन हो गया, 2, 3 नहीं आता, 4 आता है। आप बच्चे को 4 लिखना कैसे सिखा सकते हैं, पहले अल्फाबेट सिखाना है। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए, बच्चों को सब कुछ एक साथ नहीं सिखाना है, एक ही दिन में सब कुछ सिखा के वो बहुत बड़ा आइंस्टाइन नहीं बनने वाला है, तो उसको धीरे धीरे सिखाना है। तो पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाना, सेकेंड स्टेप होगा स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन के साथ कनेक्टेड जो अल्फाबेट्स है वो सिखाना, वो एक दिन में सबके सब अल्फाबेट्स नहीं सिखाना है, उसमें से 2 अल्फाबेट एक दिन सिखाइए, अगले दिन 2 अल्फाबेट सिखाइए, अगले दिन और 2 अल्फाबेट सिखाइए, फिर उसको रिवाइज कराइए, उसको राइटिंग प्रैक्टिस कराइए, उसको छोड़ नहीं देना है, साथ बैठ के कराइए। खेल रहा है जब, कलर पेंसिल जब आप उसके हाथ में है तब उसको बोलिए खेल खेल में, बेटा एक मुझे स्टैंडिंग लाइन बना के बताओ तो, स्लीपिंग लाइन बना के बताओ तो कैसे होता है। अगर बच्चा रेडी नहीं है करने के लिए उसे प्रेशराइज नहीं करना है, लेट इट बी, उसको धीरे धीरे अपने आप खेलने दीजिए, अपने आप लिखने दीजिए, तो तभी उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज में और वो अच्छे से उस चीज को एंजॉय करेगा। जैसे अल्फाबेट लिखना सीख जाएगा उसके बाद थर्ड स्टेप आता है नंबर्स। नंबर्स में उसको 1 लिखना बहुत ही आसान पड़ेगा क्योंकि 1 स्टैंडिंग लाइन है, बस खत्म। उसके बाद उसको आप 4 लिखना सिखाएंगे। कैसे 4 लिखने के लिए उसको बोलिए, पहले
एल लिखना है, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, एल स्टैंडिंग लाइन, एल स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया फोर। तो इस तरह से आप उसको फोर लिखना सिखा सकते हैं। उसके बाद फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन में वन खाली जो है वो स्टैंडिंग लाइन के अंदर में आता है। हाँ, नंबर में आप जीरो लिखना आसानी से बना सकते हैं। उसको बच्चे को बोलना है कि आप ऐसा आप दिखा दीजिए कि ऐसे बनाओ, तो हो गया जीरो। इसको आप सर्कल बता सकते हैं। सर्कल अब बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटा है, उसको सर्कल समझने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप इसमें फोकस ना करिए, आप बेटर है पहले स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन में फोकस कीजिए। जीरो का कॉन्सेप्ट उसको हम बाद में समझाएंगे। तो आज के क्लास में हमने ये सीखा है किस तरह से स्टैंडिंग लाइन लिखना है और स्लिपिंग लाइन लिखना है, स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन किस किस अल्फाबेट के लिए यूजफुल है, किस किस अल्फाबेट को लिखने में स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन की यूज हम करते हैं, उस अल्फाबेट को कैसे लिखना है और बच्चों को किस तरह से लिखाना है, उसको फोर्स नहीं करना है, उसको आपको एक फिक्स टाइम करके नहीं बैठना है, उसको आपको खेल खेल में पढ़ाना है। जब उसको मन करेगा आप उसको पढ़ना है बोल के पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने में से भागेगा। बच्चे को एंजॉय करे, उसको पढ़ाई एंजॉयमेंट जैसा फील होनी चाहिए, तभी वो सीखेगा जल्दी। ठीक है, तो हर चीज में अब जब वो लिख रहा है, जब वो लिखना सीख गया है, जब वो एक बार फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग लाइन खुद लिख रहा है आपके हेल्प के बगैर, जब वो खुद लिख रहा है उसे अप्रिशिएट कीजिए। उसको बोलिए कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा है, भले ही स्टैंडिंग लाइन थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाए, बट इट्स ओके, वो लिखा है खुद, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको चीज को मतलब उसको समझने दीजिए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप उसको जितना इनकरेज करेंगे वो उतना ही अच्छे से और लिखेगा, वो खुशी खुशी लिखेगा। एक बार लिखने पर आप अगर उसको इनकरेज करेंगे तो उस नेक्स्ट टाइम वो खुद लिखेगा। फिर स्लिपिंग लाइन उसको खुद लिखने के बाद उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए। आप जितना उसको अप्रिशिएट करेंगे इनकरेज करेंगे वो सीखने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह से आपका काम भी आसान होगा, वो सीखेगा भी अच्छे से और आपका काम भी हो जाएगा। तो आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा लाइन और दूसरा अल्फाबेट्स को कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स में फैमिलीज में मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करने मत भूलिए और शेयर करने बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, और लाइक करने को भूलना ही नहीं है। शेयर उन लोगों को कीजिए जिन लोगों को ये ज़रूरत है, ठीक है, और अगर पसंद नहीं आए तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगले मंडे नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।